एक आम आदमी कतराता है इन सभी चीज़ों से कि वो थाने जाएगा या उसका घर परिवार का कोई सदस्य थाने जाएगा, तो इस चीज़ का डर आता है। अगर कोई महिला भी जाती है तो वो तो यही सोचकर डर जाएगी कि पुलिस वाला उससे बात क्या करेगा, वो सवाल क्या करेगा। इतने गिरे हुए सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि वो केस बताने से पहले ही घबरा जाती है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्राइम तक एक नया शो लेकर आया जिसमें हम बात करेंगे आम आदमी की। आम आदमी के दिमाग में क्या सवाल उठते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब क्राइम तक इस शो में देगा। एक आम आदमी आखिर पुलिस स्टेशन जाने से क्यों कतराता है, एक आम आदमी FIR दर्ज कराने से क्यों डरता है, ये टॉपिक हमारे इस एपिसोड का है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं चिराग गोठी, जिनसे हम इन तमाम सवालों के जवाब मांगेंगे ताकि हमारी जनता तक इन सभी सवालों के जवाब पहुंचे। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। चलिए चिराग जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल, ये जो शो है दीपिका, ये कुछ खास है। ये टीवी पर ऐसी आपको रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी। आपको इस शो के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो पुलिस वालों की क्या दिक्कतें होती हैं। हम लोग पुलिस को अक्सर कोसते रहते हैं, अक्सर तमाम बातें करते हैं, लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई वो लोग काम नहीं करना चाहते या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? वो तमाम वजह इस शो में डिस्कस होगी। अब यकीन मानिए, ऐसे ऐसे मुद्दे हम उठाएंगे जो ना तो टीवी चैनल्स कवर करता है ना कोई डिजिटल चैनल कवर करता है। ये पहला डिजिटल चैनल होगा जो ऐसे मुद्दे उठाए। एक आम आदमी कतराता है इन सभी चीजों से कि वो थाने जाएगा या उसका घर परिवार का कोई सदस्य थाने जाएगा, तो इस चीज का डर आता है। तो चिराग जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर करीब 80,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं, 200 से ज़्यादा थाने मौजूद हैं। कई केसेस रॉबरी, डाउरी, मर्डर, रेप, ऐसे केसेस सामने आते हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी सामने आती है जहाँ पर एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर उसके साथ कोई भी अपराध हुआ है तो वो अपने घर में ही खुद को घोट कर वहीं रुक जाता है। आखिर वो थाने क्यों नहीं जाता, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। वो FIR क्यों नहीं लिखवाता, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे साथ मौजूद चिराग जी हमें देंगे। तो चिराग जी, ये पहला बड़ा सवाल कि आखिर एक आम आदमी थाने यानी कि पुलिस स्टेशन जाने से क्यों कतराता है? ये सवाल जो है ये बहुत पहले से पूछा जा रहा है और इसका जवाब जो है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई पुलिस की, बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, अधिकारियों को जो SHO लेवल के ऑफिसर्स हैं, कि अपना बर्ताव ठीक रखो यार। कोई आपके द्वार पर आता है वो ऑलरेडी दुखी होता है, वो खुशी से नहीं आता आपके पास, आप उसका दुख और बढ़ा रहे हो कि आप उसको कहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी का मान लीजिए, कोई मोबाइल आपका चोरी हो गया, रसीद दिखाओ, ठीक है, वो रसीद दिखाया था जी हमने खरीदा था, आप कहाँ थे, वो बताता है जी मैं यहाँ था, वहाँ क्या कर रहे थे आप, वो कहते हैं जी मैं वहाँ था, मैं गया था, अच्छा जी, तो ध्यान रखना चाहिए था आपको अपने मोबाइल का, मतलब वो ठीक है, वो एक आम आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहे, लेकिन अब जब हो गया कोई चीज़ तो उसके बाद तो पुलिस के ऊपर ही डिपेंड है ना कि भाई पुलिस अब कैसे इन्वेस्टिगेशन करे। तो सबसे बड़ा जो बर्ताव आता है वो आता है एक बिहेवियर प्रॉब्लम। अगर पुलिस ढंग से पीड़ितों की सुन ले तो मुझे लगता है कि 90% केसेस वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाता है पीड़ित। कई बार तो मुकदमा दर्ज होने से पहले ही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, केस ही दर्ज नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दीपिका, इतना होने के बाद भी ऐसी कौन सी वो घुट्टी उन्होंने पी रखी है या जिससे कि वो बिहेवियर उनका ऐसे ही रहता है? बिल्कुल, अगर कोई महिला भी जाती है तो वो तो यही सोचकर डर जाएगी कि पुलिस वाला उससे बात क्या करेगा, वो सवाल क्या करेगा। इतने गिरे हुए सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि वो केस बताने से पहले ही घबरा जाती है, उसके घर वाले उसे केस दबाने के लिए बात करते हैं। तो अगर पुलिस वाला अगर एक पुरुष से इस तरीके से बात कर रहा है तो वो महिला के साथ किस तरीके से बात करेगा, ये सोचकर तो तमाम अपराधी तो यूं ही बच जाएंगे, तो इस चीज़ का क्या करें? ऐसा बिहेवियर पुलिस वालों के अंदर क्यों है? या तो उनके ड्यूटी आवर्स इतने होते हैं कि उन्हें अपने लिए वक्त नहीं मिलता, इस वजह से है, लेकिन उनकी पहली चीज़ तो यही है ना, प्रायोरिटी तो यही है कि आप अगर आपके थाने में कोई आ रहा है तो उसे आप इतना कम्फर्टेबल फील कराएं कि वो अपनी चीज़ बता पाए। इसमें सबसे अहम चीज़ है ना, वो है ड्यूटी आवर्स। एक तो पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए।
भर्तियाँ होनी चाहिए, इस पर भी तमाम गृह मंत्रालय बार बार बोल चुका है। दूसरा जो इसमें सबसे मेजर एटीट्यूड रहता है वो रहता है कि आप रोज़ वही बातें सुन सुन के आपके ब्रेन पर इतना इफेक्ट पड़ता है कि आप पुलिसकर्मी भी अच्छा यार मुझे पता है तेरे साथ ये हुआ है मैं देखता हूँ। तीसरी चीज़ होती है कई बार कंप्लेनेंट झूठ बोलता है पुलिस के आगे, वो कहानी झूठ से शुरू करता है तो पुलिसकर्मी पहले उसकी थ्योरी पर चल रहे थे, बाद में पता अरे ये तो झूठ बोल रहा था कहानी कुछ और है। तो ये और जो रूटीन उनका होता है, मतलब मोटिवेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सैलरी ठीक है, मैं कह दूंगा ठीक है, लेकिन मोटिवेशन के नाम पर दिल्ली पुलिस में एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए, जिसमें कि एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल ये समझे अपने आप को कि मैं भी, ये मेरा विभाग है, मैं दिल्ली पुलिस में काम कर रहा हूँ, ये मैं किसी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं कर रहा, ये मेरा दायित्व है काम करना। वो अपना घर समझे, वो अपनी इसको कंपनी समझे, मैं तो ये कह रहा हूँ, अपना बिजनेस समझे इसको, जैसे कि एक फौजी जॉब समझे, जैसे फौजी करता उसको है। ये नहीं हो कि भाई मैं पुलिस में आ गया ये को। तो ये सबसे बड़ी अच्छा, लोग इतना फौजियों से नहीं घबराते जितना पुलिस वालों से घबराते हैं, क्योंकि पुलिस वालों से हमारी डायरेक्ट डीलिंग है, डेली की डीलिंग है, फौजी तो हमें पता है कि वहाँ एक युद्ध स्तर पर खड़ा है या युद्धभूमि पर, लेकिन एक फौजी के लिए एक अलग रिस्पेक्ट आती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। इनके लिए रिस्पेक्ट क्यों नहीं आती, क्योंकि रीज़न यही है कि हैरासमेंट भी तो है ना। आप सोचिए कि पुलिस अगर ये सोचें कि भाई सारे काम ठीक करे तो फिर तो पुलिस के बारे में हम नेगेटिव ही नहीं बोले, इसका मतलब कुछ गलत काम भी होते हैं ना। मैं नहीं कह रहा सारे पुलिस करते, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे काम करते हैं जिससे पूरा महकमा बदनाम होता है। तो ये चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत, सबसे पहली दीपिका इसमें चीज़ है आपकी बिहेवियर प्रॉब्लम। वो बिहेवियर प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, जब आपकी कोई पीठ थपथपाएगा, कहेगा बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा नहीं है, अवार्ड्स भी मिलते हैं दिल्ली पुलिस वालों को, लेकिन मुझे लगता है मोटिवेशन अभी भी बहुत कम है। वर्कलोड बहुत है, प्रेशर बहुत है, इतने फालतू के काम पुलिस वालों को करने पड़ते हैं जो पुलिसिंग से जुड़े ही नहीं हुए। तो क्या सिर्फ एक मोटिवेशन मिल जाने से पूरी इतनी बड़ी चीज़ सॉल्व हो जाएगी कि एक इंसान थाने जाने से डरेगा नहीं? क्या सिर्फ एक मोटिवेशन ऐसी चीज़ है? देखिए, मोटिवेशन मिलेगा वो खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे तो वो नज़र आएगा। ये देखिए पूरी चेन है कि आपने उनको मोटिवेशन दिया। मैं देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, अब ये कहिए कि कोई एक आध अलग निकल गया, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सच्चाई है कि अगर मोटिवेशन रहेगा वो अच्छे से उसको ये फील होगा कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अप्रिसिएशन मिलता है अगर मैं अच्छा काम करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ सैलरी भी बढ़ाएं उनकी भाई, जब MLA की सैलरी 2 लाख हो सकती है दिल्ली में, तो पुलिस वाले की सैलरी एक SHO की सैलरी 60-70 हज़ार रुपये क्यों है? और ज़्यादा कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार अगर पैसे बढ़ाने से कम होता है तो क्यों नहीं जो है वो सैलरी बढ़ा दी जाए, ताकि उनकी दूसरा आपको और एडिशनल फोर्स लानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक पुलिस वाले से आप 20 मुकदमे 50 मुकदमे नहीं करवा सकते, हैंडल करा सकते, आप उसको उतना ही काम दीजिए जितना वो कर सकता है। तो चलिए, हमारा ये तो एक डिस्कशन था। हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपने मुझे एक किस्सा भी बताया था अपने सिस्टर से रिलेटेड, जब पुलिस उनके घर के सामने आ गई थी। लेकिन सवाल ये है कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास पर्सन अपने घर पर पुलिस को बुलाने से क्यों डरता है? देखिए वही सेम सिचुएशन, जैसे वो जो केस मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि एक सामने चोरी हुई थी उनके घर के, मेरी सिस्टर के। अब पुलिस वाले रात के 11 बजे आ गए, जी हमें CCTV देखना है। अब रात के 11 बजे किसी के घर में जाओगे तो नेचुरल वो विरोध करेगा। आपने जो सवाल आपका है, एक तो थाने जाने से क्यों डरता है, वो हमने क्लियर किया कि भाई थाने जाने से वो इसलिए डरता है। अब है कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराता, जो आपका दूसरा सवाल है। सवाल ये उठता है कि मुकदमा दर्ज कराने का मतलब फिर वही ड्रामा, 10 बार उसको समझाना, मुकदमा लिखा जाना। और ये तो डेड श्योर है कि दिल्ली में पिटी ऑफेंसेस, आपका मोबाइल चोरी हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, बैटरी चोरी हो जाए, ये केस दिल्ली पुलिस की लीस्ट प्रायोरिटी पर है। हाँ। वो कहते हैं ठीक है मुकदमा देना है, और इतने बड़े केसेस इतने सारे जो आपके ऊपर मर्डर के 20-20 केस थाने में चल रहे हैं, 50 चीजें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी उनको निपटानी पड़ती है, और दिल्ली तो अब टॉप मोस्ट चल रहा है जहाँ पे रेप केसेस, मर्डर केसेस, ये सारी प्रायोरिटी पर केसेस हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इन केसेस का क्या हश होगा। तो इसलिए आम आदमी कहता है यार कुछ होना तो है नहीं, जाने का क्या फायदा, ठीक है एक FIR कराओ। आजकल लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है इंश्योरेंस में मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है एक मेजर दिक्कत है। और ये देखिए, ये दिक्कत किससे जुड़ी है? स्टाफ से। ये दिक्कत किससे जुड़ी है? मोटिवेशन से। ये दिक्कत किससे जुड़ी है? सैलरी से। और ये दिक्कत किससे जुड़ी है कि अच्छा एटमॉस्फेयर, मतलब एक ये होना कि भाई डेडिकेटेड 5 लोग हैं जो मोबाइल थेफ्ट के केसेस निपटाएंगे। थाने में मुश्किल से टीम मैनेजमेंट होना चाहिए। थाने में मुश्किल से आप देखें तो 50 या 55 पुलिस वाले हैं, जिनमें आधे कुछ काम कर रहे हैं, आधे कुछ काम कर रहे हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं इतना ज़्यादा उनसे? तो ये उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी मुझे लगता है। कोई ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, और है तो सीनियर अधिकारी। अच्छा, हमारे थाने के लिए हमारे दर्शकों को एक ब्रीफ में बता दीजिए कि अगर आप थाने जाते हैं तो थाना इंचार्ज जो वहाँ पर मौजूद होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं जो प्रायोरिटी पे होती है? देखिए प्रायोरिटी पर तो जैसे आप थाने गए, सबसे पहले ड्यूटी ऑफिसर बैठा होता है अंदर ही, आप
कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं तो उससे आप बताएं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, फलाना चीज़ हुई, तमाम चीज़ें आप उसको ब्रीफ करें। लेकिन सवाल वही है दीपिका कि अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या होगा? वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके साथ वैसे ही इतना गलत हुआ है, वो और यहाँ से उसका जो है बिहेवियर पुलिस का देख कर वापस चला जाएगा, और ज़्यादातर केसेस में होते हैं। लेकिन इसमें जो एक हम एक आम नागरिक कर सकता है वो यही कर सकता है कि वो ड्यूटी ऑफिसर के पास जाके अपनी कंप्लेंट नोट कराए या 100 नंबर डायल करे, वहाँ से पुलिस आएगी, उनको पूरे ब्रीफ बताए कि मेरे साथ ये हुआ है। आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी है कि अगर आपके मोबाइल चोरी हो रहा है या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी हो गई, आप दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो आप वेबसाइट पर जाकर EFIR करा सकते हैं। लेकिन उसमें वक्त भी तो काफ़ी लगता है। नहीं, वक्त उसमें नहीं लगता, उसमें जो मेन लगता है कि फॉलोअप्स। वक्त तो ऑनलाइन तो और आसान है, आपको बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो आपको किसी से बातचीत नहीं करनी। हाँ, तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि ऑनलाइन वाला, देखिए ऑनलाइन ऐसा है कि आप वेबसाइट दिल्ली पुलिस की, जैसे अगर मैं बात करूँ, आप जा सकते हैं, जैसे EFIR आपको दर्ज करानी है, वहाँ थेफ्ट का एक कॉलम है, उस कॉलम पर आप क्लिक करिए, उसमें तमाम आपको डाटाज मिल जाएंगे, आपका नाम भरिए, डेट ऑफ इंसिडेंट भरिए, क्या हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए, और वो एक अटेस्टेड कॉपी होती है, वो मानी जाती है, वो एक अटेस्टेड कॉपी आपको प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, जिसके बाद आप उसको अगर इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं दिखा सकते हैं कि भाई देखिए मैंने FIR कराई है, ये EFIR है। दिल्ली पुलिस आपको एक मैसेज भेजती है, तभी तुरंत वो मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा, क्योंकि आपने मोबाइल वहाँ डाला होगा, उसमें आपको बता देंगे ये IO है, ये पुलिस स्टेशन है, और ये आप इससे फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको फ़ोन करके फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है EFIR का। तो ये वो तरीका है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी मिडिल क्लास पर्सन या कोई भी महिला, कोई भी बच्ची अगर थाने जाने से डर रही है तो ऑनलाइन कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल करके वो FIR दर्ज करा सकती है। और फिर इसके कई फायदे हैं कि किसी इंसान को शायद थाने ना जाना पड़े, जिसे डर लगता है वो थाने जाने से बच सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। तो हमारे साथ चिराग गोठी जी मौजूद थे, जिनको सिर्फ दिल्ली पुलिस का नहीं तमाम सारी पुलिस महकमे का A to Z पता है, जो उन्होंने आपको बताया। इससे जुड़े कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हम वो सवाल लेंगे और अपने अगले एपिसोड में आपके सामने उन सवालों के जवाब लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास शो में इतना ही।